अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। आज की वीडियो जो है ना, ये बना रहा हूँ कब्र पे, जिसका टाइम ट्रैकर है उसके ऊपर, क्योंकि अक्सर दोस्त पूछते हैं, बल्कि आज भी एक दोस्त ने पूछा इसको यूज़ करने का थोड़ा तरीकेकार, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि अपवर्क का टाइम ट्रैकर जो है यूज़ कैसे करना होता है, इसको क्या इसमें चीज़ें होती हैं, इसमें टाइम ट्रैक कैसे होता है, जो जो इसकी चीज़ें हैं। अब पहली बात, आपके पास जब क्लाइंट आता है, ठीक है, अगर अर्ली डेट पर है तो टाइम ट्रैकर आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है ना। आपने वो क्लाइंट का मीन्स, अभी मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है। इस क्लाइंट को ओपन किया, यहाँ पे इसका ये टाइम ट्रैकर का जो ये रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ हमने स्टार्ट करने से पहले, टाइम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जहन में रखें कि जब भी आप लोग टाइम स्टार्ट करते हैं, जिस टाइम पे आप काम कर रहे हैं, जिस डेट पे, यहाँ नोट्स के अंदर वो लाजमी देनी है, एड मेमो होती है ना, यहाँ मेमो पर आपने डेट लाजमी देनी है। डेट देने का क्या मकसद है? अगर कभी कोई इशू बनता है, अगर आप यहाँ डेट नहीं देते लेकिन आप टाइम ट्रैक कर रहे हैं, किसी नहीं होता, ये कोई इशू बन जाता है तो आपको मसला बन जाता है, जब रेजोल्यूशन सेंटर के साथ अपवर्क की हेल्प के साथ आप काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट के साथ अगर कोई इशू होता है तो। लेकिन जब यहाँ डेट वगैरह दी हुई होती है तो वो बहुत जो है ना आपको फ़ायदा दे जाता है, अभी इस डेट को इस टाइम से इस टाइम पे बंदा काम कर रहा था, वो साथ एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो आपने यहाँ डेट उस दिन की दे देनी है जब आप काम कर रहे हैं, मीन्स कि अगर आप 2/26 है तो मैंने 2/26 लगा के स्टार्ट ट्रैकिंग कर देनी है, ठीक है। तो अभी मैंने वैसे स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं काम अभी नहीं कर रहा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दूसरी चीज़, यहाँ पर लिखा हुआ करंट सेशन, ये जो करंट सेशन लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पे जो टाइम चल रहा होता है, ये अभी अगर आप ऑन करेंगे तो जो जितना टाइम आप ऑन रहेंगे ये टाइम वो होगा, वो यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, वो शो हो रहा होगा। दूसरा नीचे टुडे वाला आ रहा होगा कि आज के दिन में आपने कितना काम किया। अब ये 4 घंटे 30 मिनट आ रहा है, मेरा शो हो रहा है, तो यानी कि आज के दिन में अगर हमने 4-5 सेशन किए हैं बार बार, यानी कि ऑन ऑफ करके, एक दफ़ा घंटा काम किया, फिर 2 घंटे किया, आधा घंटा किया, इस तरह से, तो टुडे का ये एक डे का नीचे शो हो रहा था, ऊपर करंट सेशन शो हो रहा होगा, जब आप ऑन करेंगे तो साथ साथ चल रहा होगा, और आगे दिस वीक का टोटल आवर्स आ रहे होते हैं कि आपके पास लिमिट कितनी है। ये मेरे 50 आवर्स की लिमिट है और ये 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स जो है इस वीक अभी तक काम हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ शो हो रही होती है। उसके बाद जब आप इसको ऑन कर रहे होते हैं, ऑन करके आप काम कर रहे हैं, तब आपके स्क्रीन शॉट्स बन के जाते रहते हैं जो क्लाइंट की तरफ वर्क डायरी में। तो जब भी आप टाइम ट्रैकर चला के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कोई और चीज़ आप ना चलाएं, एक ही चला के अपना जो काम करें सिर्फ वही करें, जब आप यूज़ कर रहे हैं, यानी काम करें तब इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको आप ऑफ रखें, ठीक है। क्योंकि अगर क्लाइंट्स के पास जाएगी आपका स्क्रीनशॉट जाएंगे, आप गाने सुन रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काम ख़राब होगा, क्लाइंट कहेगा कि मेरा बंदा काम ठीक कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ये टाइम ट्रैकर का। अच्छा, अब इसकी एक दो चीज़ें और हैं कि आपका टाइम ट्रैक कब हो रहा होता है, ऐड कब हो रहा होता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन मसला करता है, आपका टाइम चल रहा है और इंटरनेट कनेक्शन में कोई मसला आ गया, कनेक्टिविटी जो है वो अगर एक्सेस चली जाती है, किसी टाइम थोड़ी बहुत जाती आती है, तब भी आपका टाइम ट्रैक हो रहा होता है। ये जो टाइम ट्रैकर है आपका, ये ट्रैक ज़रूर कर रहा होता है। ये नहीं कि आप अगर इंटरनेट को 2 मिनट के लिए बंद हुआ तो टाइम ट्रैक नहीं होगा, टाइम फिर भी ट्रैक हो रहा होगा जब तक ये ऑन है। अगर ऑफ है तो फिर तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये ऑन है तो फिर ये टाइम ज़रूर ट्रैक कर रहा होता है। अब एक चीज़, अगर आप यहाँ पर साथ साथ ट्रैक नहीं कर रहे, कोई मैनुअल वर्क है लेकिन आपकी क्लाइंट के साथ आपने काम किया है, आपने ऑन रहे कि नहीं किया, आप मैनुअल करना चाहते हैं, ये देखें ऐड मैनुअल टाइम नीचे लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको डेट देगा कि यहाँ आपने डेट देनी है कि किस डेट को काम किया, ठीक है। अब आज से आगे तो नहीं होगा, लेकिन इस वीक का जो पीछे ये दिन आ रहे हैं ग्रीन में, यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। अब मैंने 25 का लिख के यहाँ मैं टाइम दे सकता हूँ कि मैंने यहाँ काम किया है 2:50 AM से 4:10 AM तक, ठीक है। यहाँ मैं मैनुअल ऐड कर सकता हूँ इसी टाइम ट्रैकर की जो ये एप्लीकेशन है इसी के अंदर। यहाँ व्हाट वर यू वर्किंग ऑन, आप काम किस पे कर रहे थे, यहाँ आप अपनी मेमो ऐड करेंगे कि मैं कौन से काम पे कौन सा काम कर रहा था, टास्क कौन सा कर रहा था, यहाँ वो चीज़ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे तो ये मैनुअल टाइम जो ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐड तब होगा जब आपने आपके क्लाइंट ने आपको इसका एक्सेस दी हुई है, मैनुअल टाइम ऐड करने के लिए अलाउ किया हुआ है। अगर क्लाइंट ने आपको अलाउ नहीं किया हुआ तो आपका ये मैनुअल टाइम ऐड नहीं होगा, तब उसके लिए आपको क्लाइंट को कहना पड़ेगा कि भाई हमें जो मैनुअल टाइम हमारा वो ऐड करो, ठीक है। ये अगर आपको अलाउड है तो आप मैनुअल टाइम ऐड कर सकते हो, इसके अलावा जो है आपका टाइम जो है वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, आपको मैंने इसकी 2-3 चीज़ें थी टाइम ट्रैकर के रिलेटेड, वो मैंने बता दी हैं, तो सिंपल सी हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी।
तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्रिक के साथ, किसी और डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।